आज मैं जिनके साथ हूँ वो जानी जाती हैं एक अपने शक्ति के लिए और डिफाइन करती हैं मदरहुड को बहुत ही खूबसूरत तरीके से। 20 साल टीवी इंडस्ट्री में बिग बॉस और ना जाने कितने खास रोल्स की परिभाषा बदली है इन्होंने। मैं बात कर रही हूँ काम्या पंजाबी से। यस सोना गाची, यस सोना गाची। और यहाँ की शैतान फर्स्ट ऑफ ऑल काम्या जी वेलकम टू हर जिंदगी एंड आई मस्ट से यू नेवर सीम्स टू एज। थैंक यू सो मच। मतलब जैसे आई थिंक शायद 10 साल पहले आपको मैंने बिग बॉस में देखा था सीजन 7 में और अब देख रही हूँ मतलब देर इज नो चेंज। तो क्या पहले तो ये बता दो कि क्या राज है आपकी खूबसूरती का। सच बताऊँ ना मैं जिम जाती हूँ ना मैं कोई वर्कआउट करती हूँ ना मुझे खाने पीने का बहुत शौक है क्योंकि पंजाबी है या सो ऐसा कुछ नहीं है लेकिन हाँ काम करती रहती हूँ और जब भी ऐसा लगता है कि राइट खाती हूँ कचरा भी बहुत खाती हूँ लेकिन जब ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा तो राइट टाइम पे कंट्रोल भी कर लेती हूँ और बस मैं ये कहूँगी मेरा काम ही मेरी एक्सरसाइज है। मेरा काम ही है सब कुछ जो मुझे फिट रखता है। जब मैं काम ना करूँ तो मैं और आलसी और पड़े पड़े पता नहीं क्या हो जाऊँ। अच्छा ये जो आपका शो है नीरजा इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो पहली बार बंगाली करेक्टर प्ले कर रहे हैं आप। अब तक आई थिंक टीवी पे कभी भी आपने इस टाइप का रोल एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रहा है ये रोल। तो पहले तो कैसे प्रिपेयर किया आपने इस रोल के लिए? डेफिनेटली मेहनत तो बहुत रही है लुक को लेकर किरदार को लेकर क्योंकि ब्रीफिंग जब मिलती है तो आपको सिर्फ कहानी सुनाई जाती है और आपको बता दिया जाता है कि ये किरदार ये कर रहा है। अब ये किरदार कैसे चलेगा कैसे उठेगा कैसे बैठेगा किस तरीके से बात करेगा ये सारी चीज़ें जो होती है वो एक एक्टर को खुद प्रिपेयर करनी होती है क्योंकि वहाँ पर आपको कोई क्रिएटिव या कोई राइटर ये नहीं बताएगा कि तुम ऐसे चल लेना तुम ऐसे बैठ लेना तुम ऐसे हंस लेना वो नहीं होता। सो डेफिनेटली वो चीज़ पर मैंने बहुत काम किया है बहुत वर्क किया है और अब कैसे ये तो नहीं बता सकती लेकिन हाँ मेहनत बहुत की है सोचा बहुत है कि ऐसा क्या करूँ जो जिसमें काम्या नजर ना है जिसमें काम्या के पहले वाले कोई किरदार नजर ना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दिदुन नजर आए सिर्फ ये किरदार नजर आए और बंगाली किरदार है तो कोशिश की कि थोड़ा बंगाली बोलूँ लेकिन गलत नहीं बोलना चाहती थी इसलिए कम बोलती हूँ कोई कोई वर्ड ही इस्तेमाल करती हूँ ताकि वो करेक्ट लगे। सो हाँ मेहनत बहुत की है मैंने एंड आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा हो। मैं एक्चुअली इसी पे आना चाह रही थी कि लैंग्वेज पकड़ना बहुत डिफिकल्ट होती है लोग ट्रेनिंग लेते हैं हफ्तों हफ्तों महीनों महीनों तो लैंग्वेज कितना हद तक आपने उस बंगाली डायलेक्ट को पकड़ा है शो में? मैं आपको बताऊँ मैंने अपने काफ़ी शोज में मैंने पंजाबी एक्सेंट उठाई है मैंने हरियाणवी एक्सेंट उठाई है मैंने जयपुरी एक्सेंट उठाई है मैंने और मुझे ऐसा लगा कि सब बहुत आसानी से हो गया। बंगाली नहीं होता नहीं होता मतलब आप कितना भी बार 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 बोल के प्रैक्टिस कर लो आप अगर बंगाली नहीं हो तो नज़र आ जाएगा वो नहीं आता। मेरे हस्बैंड की बंगाली बहुत अच्छी है वो खुद मुझे कह देते हैं कि फेक लग रहा है मत बोलो तुम मत बोलो तो जितनी मीठी ये भाषा है उतनी मुश्किल है। करेक्ट। आपने इंडस्ट्री में लास्ट काफ़ी टाइम से बहुत सारे नेगेटिव रोल्स किए हैं एंड मतलब क्या आपके फैंस को ये नेगेटिव रोल पसंद आ रहा है क्या उतना ही प्यार मिल रहा है जितना यू नो एक पहले जब रोल्स करते थे उसमें मिलता है? बिल्कुल मुझे फैंस के प्यार की कमी मुझे कभी किसी किरदार में नहीं हुई है उन्होंने बहुत प्यार दिया है उनकी बदौलत यू नो मुझे वो अप्रिसिएशन मिलती है उन्हें उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँची हुई हूँ। अगर वो मुझे मेरे किरदारों को प्यार नहीं देते तो आई थिंक मैं यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती। तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई फ़र्क आया हो मेरे हर किरदार को उन्होंने बहुत प्यार दिया है चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ये जो सब्जेक्ट है नीरजा का एक बहुत बड़ा टैबू है ये सोसाइटी में इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है तो
तो जब आप ये चूज कर रहे थे कैरेक्टर, तो आपको लगा था कि बहुत डिफिकल्ट होगा ये पोर्ट्रे करना, ये दिखाना कि यू नो एक सोनागाछी का पूरी वो दुनिया दिखाना, वो रोल को प्रॉपर जजमेंट देना, मतलब प्रॉपर एक उसको वैलिडेशन देना कि ये सही निकल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं लगा था कि डिफ़िकल्ट होगा. मैं खुद ऐसी हूँ जो मैं ऐसे मुद्दों पर बहुत बिंदास बात करती हूँ, मैं स्टैंड लेती हूँ, मैं अपनी आवाज़ उठाती हूँ, तो मुझे वो चीज़ें बिल्कुल महसूस नहीं हुई कि मुश्किल होगा या कैसे होगा. मुझे पता था कि जब मेरे पास ये शो आया था, मुझे लगा था वाओ, यू नो ये मैं करना चाहती हूँ और मुझे पता है कि मैं इसको जस्टिफाई करूँगी. और जो आवाज़ उठानी और जो बदलाव लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, मुझे पता था कि सी कलर्स की लेगेसी रही है. वो उन्होंने बालिका वधू किया, शक्ति किया, यू नो लाडो किया, कलर्स ने ऐसे सारे शोज़ किए हैं जो हमारे इस समाज से जुड़े हुए हैं ये सारे मुद्दे. इट्स कलर्स लेगेसी, सो कलर्स से बेटर और कौन इस मुद्दे को उठा सकता था. तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट रही हूँ शुरू से और मैं अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि इसमें हम बहुत सारी और बातें करने वाले हैं जो एक्चुअली होता है. सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी हैप्पी कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं और बहुत कुछ करने वाले हैं. जब आप इस रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो क्या आप यू नो रियल लाइफ सेक्स वर्कर से भी मिले थे टू अंडरस्टैंड? क्योंकि जब इंसान स्टडी करता है, इट्स अ मेथड एक्टिंग जिसे कहा जाता है, कि जब लोग स्टडी करते हैं रोल के बारे में, मुझे ये रोल करना है, तो पीपल डू अ रियल लाइफ रिसर्च. तो क्या आपने भी ऐसा कुछ? मैंने मैं उन लोगों से मिली नॉट टू गेट इंस्पिरेशन फॉर माय कैरेक्टर, क्योंकि वहाँ पर मैं जाके ऐसे देखने नहीं गई थी कि कोई ऐसा दिदुन जैसा कोई किरदार है क्या, तो मैं उसे नहीं. मुझे बहुत लोगों ने पूछा भी कि आपने गंगूबाई देखी क्या वहाँ से, मैंने कहा नहीं देखी और अब तो बिल्कुल ही नहीं देखूंगी. सो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं हाँ मैं डेफिनेटली गई थी टू नो अबाउट देम, टू नो कि उनकी तकलीफें क्या हैं, उनकी मजबूरी क्या है. हम सब जानते हैं, लेकिन नज़दीक से जानना, नज़दीक से उन्हें देखना, उनकी ज़िंदगी को देखना, वो बहुत अलग बात होती है. वो देखने गई थी मैं, सो दैट आई नो कि मैं किस शो से जुड़ रही हूँ, मैं किस मुद्दे पे बात कर रही हूँ. मेरा जो किरदार है वो पूरी मेरी मेहनत है, मेरे चैनल की मेहनत है, मेरे क्रिएटिव्स की मेहनत है. हर जिंदगी जो है इट्स अ फीमेल सेंट्रिक प्लेटफॉर्म, मतलब फीमेल सेंट्रिक चैनल है प्रॉपर ये. तो इस नवरात्रि हम एक कैंपेन करें जिसका नाम है शक्ति रूपेण संस्थान. तो जो मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई एक तरफ हम नारी का सम्मान करते हैं, नौ दिन नारी के स्वरूप पे बात करते हैं, दूसरी तरफ भाई नारी पे हिंसा भी होती है, शोषण भी होता है, देयर इज एन हिपोक्रेसी इन द सोसाइटी. सो डू यू थिंक कि आप डे टू डे में ऐसे कोई चैलेंजेस आते हैं आपके सामने कि वेयर यू फेस सच हिपोक्रेसी इन सोसाइटी, यू नो कि जहाँ पे जजमेंट होता है बेसिकली औरत को लेकर? एवरी डे वो तो होता ही है, हमारे देश में तो ये चलता ही रहता है. कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया पे देखो या आम जिंदगी में देखो, ये सारी चीज़ें तो होती ही रहती है. बट वही बात है ना कि हम ये सारी चीज़ें जो मनाते हैं, वेमेंस डे मनाते हैं, औरतों को अवार्ड दे देते हैं, ये करते हैं, मत करो ये सब. द बेस्ट यू कैन डू इज अपनी सोच बदलो. जब आप अपनी सोच बदलोगे तभी ही सारी चीज़ें बदलेंगी. और हर औरत को, हर लड़की को, अब ज़माना बदल गया है, अब वो बिचारी बनना बंद कर दो. यू नो अपने हक के लिए आपको खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी. अगर आप नहीं अपनी मदद करेंगी तो कोई और भी नहीं करेगा. सो वो जो पहला कदम है वो आपको खुद उठाना है, हर उस औरत को उठाना है जिसे ये लग रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है. सो वो खुद जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगी, वो अगर बंद कमरे में सहती रहेंगी तो कुछ नहीं होगा. चाहे वो काम की जगह, चाहे वो घर हो, चाहे वो ससुराल हो, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, चाहे वो पति के साथ हो, आपको अपने लिए आवाज़ खुद उठानी होगी. तभी लोगों को सुनाई देगा, शोर होगा तो सुनाई देगा, चुप्पी रहेगी कुछ नहीं होगा. बिग बॉस सीजन 17 आ रहा है और इस बार का जो थीम है वो है दिल, दम और दिमाग पे. आप बिग बॉस सीजन 7 में रहे और जहाँ पे जो थीम थी जन्नत और जहान की, गौहर जीती थी, बट आप भी काफ़ी ज़्यादा यू नो एक 91 डेज़ का आपने सफ़र तय किया था. जी नहीं, 100 डेज़ का. 100 डेज़ का बिल्कुल.
कितना प्रेशर होता है घर के अंदर, जो लोग बिल्कुल यू नो पीपल लूज देयर माइंड लूज देयर काम एंड यू सी इट, वो तो आपको हर सीजन में दिखता ही है, प्रेशर तो रहता ही है, हर पल रहता है, डेफिनेटली रहता है, हर एक चीज़ का प्रेशर रहता है, सर्वाइव करने का, खाने का, टास्क का, दोस्ती बनाने का, दुश्मन से लड़ने का, हर एक चीज़ का प्रेशर रहता है. ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इट वॉज अमेजिंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू. थैंक यू सो मच. यू आर वन सच वुमन एक्चुअली जो एक चेंज जो लेकर आना चाहता है, जो टीवी इंडस्ट्री के माध्यम से आएगा तो वो शायद यू नो कामयाब पंजाबी के थ्रू आएगा. थैंक यू सो मच. तो ये थी कामयाब पंजाबी हमारे साथ. प्लीज़ डू लेट अस इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि आपको कामयाब पंजाबी का कौन सा रोल सबसे ज़्यादा पसंद आया. एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू हर जिंदगी. दिस इज़ मी आशा मर्जन साइनिंग ऑफ.